अरे याद है ना वो मोटी सी कमर वाली बहू, उनके दिन अभी भी नहीं फिरे। वो फिर एक बार अपनी कमर को लेकर चर्चा में है। कैसे देखिए। क्या करूँ, मेरी मोटी कमर का सब मजाक उड़ाते हैं। माँ जी तो ऐसे करती है जैसे मैं कोई डायन हूँ, ना कहीं साथ ले जाती है ना ही किसी से मुझे मिलवाती है। अरे मीना, तो कोशिश क्यों नहीं करती कि तेरी कमर थोड़ी पतली हो जाए। अब देख ना, मेरे ऑफिस में भी उस दिन तेरा कितना मजाक बना था, याद है ना। मीना को पति से ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर क्या लुक्स ही मायने रखते हैं, रिश्ते नाम की कोई चीज होती है क्या। पापा पापा, मेरे स्कूल में फंक्शन है, सबके मम्मी पापा आएंगे, आप भी आना कल। अरे नहीं बेटा, कल तो मेरी जरूरी मीटिंग है, कल नहीं हो पाएगा बेटा। अरे मैं हूँ ना, मैं आ जाऊंगी। क्यों? नहीं नहीं माँ, तुम रहने दो, तुम्हारे लिए तो दो दो चेयर लगाने पड़ जाते हैं। और ऊपर से सब तुम्हारा मजाक बनाते हैं। ना बाबा ना, मेरे स्कूल में तो आना ही मत। मीना का दिल तो ये सोचकर और छोटा हो जाता है। वो किचन में जाती है और खाना बनाने लग जाती है। खाना बनाते बनाते उसे मुन्ने के जोर से रोने की आवाज आती है। अरे क्या हो गया मेरे बेटे को, मेरा बच्चा गिर गया है। कितनी बार कहा है कि भागा दौड़ी ना किया कर। मीना जल्दी से बच्चे को उठाती है, उसे कमरे में ले जाती है और सुला देती है। माँ कल मैं गिर गया था तो किसी ने मुझे नहीं उठाया, सब मुझे डांट रहे थे, लेकिन तुमने मुझे उठाकर यहाँ बेड पर लिटाया। और रात भर तेरी कमर में मालिश भी करती रही। तभी तो मैं आज स्कूल के फंक्शन में जा रहा हूँ, नहीं तो कैसे जाता। अच्छा माँ, मैं जा रहा हूँ। बेटा स्कूल चला जाता है। उधर सास। बहू वो क्या है ना, आज मैंने घर में कीर्तन रखा है, तेरी कमर के कारण मैंने सबको बोल दिया है कि तू मायके गई है। तू जानती है ना कैसे तेरा मजाक बनाते हैं सभी। बहू कुछ नहीं कहती। पर माँ जी, कीर्तन में बैठने का तो मेरा भी मन था। हाँ तो किसी और शहर चली जाना जहाँ तुझे कोई जानता ना हो, वहीं किसी मंदिर में बैठ कर ले लेना हरि का नाम। अच्छा जा, जल्दी से काम पर लग जा। मीना को सास की बात पर रोना आता है, लेकिन देखिए किया भी क्या जा सकता है। हमारे यहाँ तो ये रिवाज है ना, जिसका चेहरा अच्छा वो राजा, नहीं तो सब रंग। घर में औरतें आने लगती है, सब एक एक कर कीर्तन में बैठ जाती है। अरे मुन्ना जा तो, किचन में मैंने प्रसाद बनाकर रखा है, ले आ। अरे क्या क्या कर लेती हो बहन जी, एक तुम्हारी बहू है बस कमर का कमरा बनाए बैठी है, ये नहीं कि ससुराल में रहकर काम काज निपटाए। जब देखो तब मायके की हवा खाने पहुंची रहती है। तभी दूसरी कहती है, मैंने तो घर में मना कर दिया था कि कोई खाना नहीं खाना, बहन जी के घर कीर्तन है, मैं सबका खाना लेकर आऊंगी, लेकिन यहाँ तो लग रहा है कि प्रसाद के भी लाले पड़े हैं। अरे कर देना पागलों वाली बात, खाना भी बना कर रखा है मैंने। अरे कमला जा, जाकर कीर्तन के बाद जो मैंने खाना बनाया है ना सबको लगा देना। अरे बहू से ज्यादा तो आपके साथ ये कमला ही रहती है। हाँ तो क्या, अब नौकरानी से करवा दी थी बेटे की शादी। कमला किचन में जाती है, जहाँ बेचारी मीना पसीने से तर खाना पीना और किचन के काम में लगी होती है। कैसी हो भाभी, ऐसी सास के साथ कैसे गुजारा कर रही हो, पता है बाहर कह रही है कि सारा खाना और प्रसाद उन्होंने बनाए हैं। अरे कोई बात नहीं ना कमला, वो क्या है ना मेरी कमर मोटी है, इसलिए वो मुझे किसी के सामने नहीं ले जा सकती हैं। अरे तो मैं कौन सी सुष्मिता सेन हूँ, लेकिन देखो मेरी सास मुझे कितने गर्व से मिलाती है सभी से। देखो मीना भाभी, आप सबने ये बता रखा है कि आप अच्छी नहीं हो, सुंदर नहीं हो, लेकिन बात ये कि आपका चेहरा इतना प्यारा है कि क्या कहूँ। पता है भाभी, आपके चेहरे के नूर से तो सारा मोहल्ला रोशन है। मीना को बहुत दिनों के बाद किसी के प्यार के दो बोल सुनने मिले थे। वो खुश हो जाती है और कमला से दिल से बात करने लगती है। पता है कमला, जब मैं कॉलेज में थी ना तो एक बार मेरी तस्वीर अखबार में छपी थी। मैं फूलों की प्रदर्शनी देखने गई थी तो वहाँ किसी ने फूल के साथ मेरी फोटो खींची थी और लिखा था फूल से भी सुंदर। लेकिन अब अभी भाभी आप ऐसी हो, फूल से भी सुंदर, अरे कमर मोटी है तो क्या हो गया, क्या सब में सारी खूबियां होती है। अपनी सास को ही देख लो, ऐसा लगता है जैसे चूल्हे में कोयला जल गया हो। भैया भी माना पतले हैं, लेकिन है तो माँ की तरह काले ही ना। वो तो भला हो भगवान का कि मुन्ना आप पर गया है,
गोरा और सुंदर। मीना को कमला की बात समझ में आ रही थी। पहली बार किसी ने उससे अच्छे से बात की थी तो उसे रोना आ जाता है। भाभी एक काम करो ना, कुछ दिन के लिए मायके होकर आओ। यहाँ तो ना भैया को आपकी कदर है ना ही सास को, और बेटा भी आपको इन लोगों के कहने पर दूर ही रखता है। मीना को कमला की बात ठीक लगती है। सारा कीर्तन निपट जाता है। उसके बाद, अरे बहन जी मान गए, इतना सारा खाना और प्रसाद बनाने के बाद भी आपको देख के लगता नहीं कि आप एक बूंद भी थकी हो, बिल्कुल फ्रेश। बस बहन जी मैं तो हूँ ही कुछ ऐसी ही। सभी चले जाते हैं। तब जाकर मीना किचन से बाहर आती है। अरे कहाँ जा रही है, थक गई हूँ मैं, चाय लेकर आ जा। माँ जी चक्कर आ रहा है, सर दुख रहा है, कब से किचन में बंद थी, गर्मी में पसीना भी बहुत आ रहा था, जरा कमरे तक जाकर पसीना सुखा लूं। हाय रे, तो होती ना कम सिन कमर की मालकिन, बिठा देती मैं सबके सामने, अब क्या आपने बेइज्जती कराती। बस माँ जी मैं तंग आ गई हूँ, मैं अपने मायके जा रही हूँ। जब मेरा होना आप लोगों को इतना अखरता है तो मैं क्यों यहाँ रहूं, क्यों ना मैं माँ के पास जाकर आराम ही करूं। तभी वहां पति आ जाता है। देखो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ कुछ दिनों के लिए तुम जाना चाहती हो तो हो आओ, लेकिन यहाँ हम सबको तुम्हारी जरूरत है। मीना पति की इजाजत के बाद मायके जाती है, लेकिन वहां भी भाभी। अरे मीना दीदी, आज ही आना था क्या आपको? आज तो मेरे मायके वाले आ रहे हैं, दीदी आपकी कमर का मजाक फिर बनाएंगे वो लोग। अरे मीना एक फोन तो कर देती आने से पहले। अरे मीना क्या हाल बना रखा है शरीर का, कितनी प्यारी बच्ची थी हमारी, क्या हाल कर लिया। मीना को दुख होता है। वो घर के अंदर जाती है जहाँ, दीदी आप तो दलिया लेंगी ना, सबके लिए वैसे आलू के पराठे बने हैं, मैं जानती हूँ आपके फेवरेट हैं आलू के पराठे, लेकिन अब आपका शरीर ऐसा है कि आप तो दलिया ही खाओ। मीना को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, हर कोई जो अपना है वो क्यों उससे ऐसा व्यवहार कर रहा है। मीना दुखी होकर पास में रहने वाली अपनी सहेली के घर जाती है। सहेली का पति बोल पड़ता है, अरे ये कौन है, कौन है ये, मुझे इसी की तो तलाश थी। मीना उसके पति के इस तरह के रिएक्शन से परेशान होकर वापस जा रही होती है कि, अरे मीना बिना मिले ही जा रही हो, ये तुम्हारे पति है ना, ऐसे कैसे चिल्ला रहे हैं मुझे देखकर। पता नहीं क्यों जी मेरी सहेली को देखकर क्यों चिल्ला रहे हो। अरे रीना मेरी फिल्म की हीरोइन मिल गई, यही तो है वो लड़की, प्यारी सी सुंदर सी मोटी कमर वाली। अरे हाँ मीना तो बिल्कुल उस लड़की जैसी है जो आपके फिल्म की कहानी है। ये क्या बोले जा रहे हो तुम लोग। मीना मेरे पति बहुत बड़ी फिल्म के डायरेक्टर है, पता है ना तुम्हें, और मैं एक बहुत बड़ी फिल्म बना रहा हूँ शाहरुख खान के साथ, मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी हीरोइन बनो। हाँ मीना हाँ प्लीज ना मत कहना, और इसके लिए तुम्हें करोड़ों रुपए भी मिलेंगे। मीना मन में सोचती है कि जो दुनिया उसे मोटा और भद्दा कहती थी उसे जवाब देने का यही एक रास्ता है। मीना फिल्म में काम करने के लिए हाँ कर देती है, और फिर सारे शहर में मीना की फोटो शाहरुख खान के साथ लग जाती है।